टाइमर को चालू कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से बाइट उठा भी लिए पहले ही बोटी उठा लिए थे, सोच रहा है तो बोटी उठा लेते हैं उसके बाद रोटी को उड़ाते हैं। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में मुर्गा और रोटी लगी हुई, मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है मुर्गा और रोटी खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर मुर्गा और रोटी लगा हुआ था। आज हमारा मुर्गा रोटी ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में फूलचंद जी और राजू जी दो चैलेंजर बैठ चुके हैं। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 2000 रुपए इनाम की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ मुर्गा रोटी का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रोटी और बोटी खाने के इस चैलेंज में दो महा चैलेंजर बैठ चुके हैं। एक तरफ है राजू और दूसरी तरफ बैठे हुए हैं फूलचंद। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके 2000 रुपए का नगद पुरस्कार कौन लेकर जाता है। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से बाइट उठा भी लिए पहले ही बोटी उठा लिए थे, सोच रहा है तो बोटी उठा लेते हैं उसके बाद रोटी को उड़ाते हैं। बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से और जो साहस लगाए देखते हैं उस साहस में कितना आगे जाते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करके 2000 रुपए इनाम की राशि ले जाते हैं फूलचंद जी या फिर राजू जी। और दोनों ही चैलेंजर बिल्कुल फॉर्म में हैं आज और सोच रहे हैं कि 5 मिनट के अंदर ही गर्दा गर्दा उड़ा करके इनाम की राशि ले जाना है। देखते हैं 5 मिनट लगाते हैं या 7 मिनट। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं राजू और रोटी के बहुत गजब स्पीडर है, इस चैलेंज का मैक्सिमम टाइम है 8 मिनट। बहुत गजब। और टर्म और कंडीशन जो लग चुकी है वो 8 मिनट का लग चुका है। जो टाइम है टाइम की बाउंडेशन 8 मिनट की मिली है आप लोगों को। तो इस 8 मिनट में इस थाली को खाली करना है और राजू आ चुके हैं अपने परफॉर्मेंस में और इनको देखकर तीन तीन चार चार रोटी उड़ाते हैं। और राजू जी जब रोटी और बोटी पाते हैं तभी फॉर्म में दिखाई देते हैं और रोटी और बोटी नहीं मिलती तो बिल्कुल बैटरी डाउन रहती है इनकी चैलेंजर वाली। राजू को देखकर फूलचंद भी पूरी तरह से आ चुके हैं अपने पर एकदम पावर लगा चुके हैं। 5-5 रोटी उड़ा चुके हैं राजू जी। बहुत बढ़िया बहुत गजब। तो फूलचंद थोड़ा सा अपने आप को बाहर हवा दे दीजिए कि थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो खाने में। बहुत राजू इस समय पूरी तरह से ना इधर देख रहे हैं ना उधर देख रहे हैं, पूरी तरह से अपने टारगेट को फोकस किए हैं। सोच रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा हल्का हल्का भी अपने आप को गफलत में डालेंगे तो समझ के लिए फूलचंद हमको पीछे कर देंगे। राजू जी अगर दिक्कत हो रही तो हाँ पानी पीते जाइएगा भैया अगर आपको लगता है तो। और इधर फूलचंद पूरी तरह से अपने आप को एकदम जो एक्सीलेटर लगाते हैं उस एक्सीलेटर में ढाल चुके हैं। इनका एक्सीलेटर थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, स्लिप हो जा रहा है ऐसा लग रहा है राजू जी के आगे, क्योंकि राजू जी इतना फास्ट चल रहे हैं कि फूलचंद जी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जितना मर्जी फास्ट चले फूलचंद जी अगर इसी स्पीड में लगे रहेंगे तब भी 100% बीट कर जाएंगे। बहुत गजब। अगर यह स्पीड डाउन होगी तो थोड़ा सा दिक्कत होगी और देखते ही देखते तो आप भी बाहर निकाल कर रख सकते हैं राजू जी की तरह। और देखते ही देखते लगभग लगभग काफी हद तक की रोटियां राजू अंजाम तक पहुंचा दिए हैं और एक बार में तीन तीन रोटी को टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं और पूरी तरह से चिकन करी में मिलाकर एकदम नस को ढीली कर देते हैं रोटी का। और जिस तरह से चावल की बाइट लिया जाता है उस तरह से बाइट लेना चालू कर देते हैं राजू। और यह इनका कारनामा देख के फूलचंद भी पूरी तरह से अपने सकते में आ चुके हैं और फूलचंद जी भी फायर हो चुके हैं। देखते हैं राजू जी क्या करते हैं, क्या रोटी उड़ा पाते हैं नहीं। बहुत गजब। और जो फूलचंद स्पीड लगाए हैं वास्तव में अपने हिसाब से बहुत अच्छी स्पीड लगाए हैं और उस स्पीड से ऐसा लग रहा है कि राजू के लगभग लगभग बराबर पहुंच जाएंगे क्योंकि राजू के पास अभी जो ब्रेकर के रूप में रखा हुआ है चिकन पूरी तरह से ब्रेकर के रूप में चिकन। तो फूलचंद जी के पास भी 4 बोटी है और राजू जी के पास भी 4 बोटी है। हाँ। और 4 बोटी को खत्म करेगा जो वही पहले बिन कर पाएगा। तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि राजू को हराना फूलचंद के पास की बात नहीं है क्योंकि राजू लगभग लगभग राजू जी कह रहे हैं 4 क्यों 3 ही कर देते हैं उसको। हाँ जिस स्पीड से राजू भाग रहे हैं उस स्पीड को पकड़ पाना फूलचंद के पास की बात नहीं, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश पुरजोर कोशिश करते हुए भाग रहे हैं मंजिल की ओर। ग्रेवी थोड़ी सी ला दीजिए, हमको लग रहा है फूलचंद जी कम पड़ेगी। तो राजू भी बोल रहे हैं कि हमारे में कम पड़ेगी तो भैया ऐसा लेते आइएगा कि दोनों लोगों को मिल जाए। और देखिए जितनी रोटियां थी पूरी की पूरी रोटियां फूलचंद जी छींक मारे। अच्छा है कि छींके ही है और कुछ नहीं किए हैं, नहीं तो पता लगता कि जो है हवा निकल जाती खड़ा होना दुश्वार हो जाता। और देखते ही देखते राजू जिस स्पीड से रोटियों को तोड़े हैं उसी स्पीड से बाइट भी बनाना चालू कर दिए हैं और ग्रेवी जल्दी लाया जाए। और यहाँ पर लेकिन राजू जी को ग्रेवी चाहिए चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। और फूलचंद भी अपने आप को पूरी तरह से हवा फूलचंद जी थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं कैसे खाना है, थोड़ा सा बूंद बूंद करके खा रहे हैं उसको। मतलब राजू जिस तरह से राजू मतलब
नकल करना है तो थोड़ा सा अकल लगाना होगा हाँ। फूलचंद, लेकिन फूलचंद इधर देख रहे हैं ना उधर देख रहे हैं, पूरी तरह से अपने रोटी और बोटी पर ध्यान दे रहे हैं, तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं फूलचंद। राजू सोच रहे हैं जब तक ग्रेवी आती है तब तक बोटी को उड़ा लेते हैं, अगर यही सूझबूझ है, यही अगर थोड़ा सा गफलत आएंगे तो फूलचंद जी बाजी मार जाएंगे। बहुत गजब। और देखते ही देखते जो चिकन की बोटी थी पूरी तरह से एकदम समाप्त होती नजर आई राजू के थाली में, और जबकि फूलचंद के थाली में अभी भी तीन रोटी और कुछ हद तक की बोटियां पड़ी हुई हैं। बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा गजब, अब ग्रेवी आ चुकी है और राजू पूरी तरह से अब मशीन बनना चालू कर देंगे। जब तक फूलचंद के थाली में ग्रेवी पहुंचेगी, फूलचंद के प्लेट में ग्रेवी थी और ये नहीं कह सकते ग्रेवी की वजह से हम पीछे हो गए। नहीं नहीं, फूलचंद के फूलचंद जो इस वजह से नहीं पीछे हुए हैं, अगर होंगे तो समझ चलिए अपनी वजह से होंगे। बहुत बढ़िया। और देखते हैं कितने समय में राजू जी बाजी मारते हैं, और मैक्सिमम टाइम हम 8 मिनट का बताए थे, यहाँ 5 मिनट हुआ है और राजू जी की बिल्कुल प्लेट खाली नजर आ रही है। और देखते हैं दो रोटी कितने समय में उड़ाते हैं फूलचंद जी, और राजू जी कितने समय में चैलेंज को कंप्लीट करके बाहर जाते हैं। और जिस हिसाब से फूलचंद पीछे थे लगभग लगभग काफी हद तक का नजदीकियां तय कर चुके हैं, और इधर राजू भी जो राजू जी को देख करके भी वो नहीं बदले, इसलिए थोड़ा सा हमको लग रहा है पीछे रह गए। अगर लेकिन फूलचंद के जिस हिसाब से एक्सीलेटर लगता है वो लगा ही रहता है, ना इधर होता है ना उधर होता है, और चलते ही रहते हैं। नहीं, थोड़ा सा घबराने के चक्कर में समय गंवा दिए। हाँ, राजू जी को इस वजह से देख देख करके पहले ही घबरा गए। नहीं, बात सही कह रहे हैं, अगर घबराए ना होते तो हमको लग रहा था पार कर थोड़ा सा पार नहीं कर पाते तो थोड़ा सा और नजदीक आ जाते। हाँ, लेकिन अब राजू की जो स्पीड है ऐसा लग रहा है थोड़ा सा स्लो हो चुकी है, तो सोच रहे हैं स्लो नहीं हुई है, राजू जी सोच रहे हैं कि फूलचंद को उड़ा देते हैं उसके बाद चैलेंज को उड़ाते हैं, क्योंकि फूलचंद जी नहीं तो रास्ते में ही रह जाएंगे। बात गजब। पूरी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देखते ही देखते 6 मिनट 4 सेकंड का जो टाइम है उसके ऊपर टाइमर जा चुका है। क्या 8 मिनट का समय मिला है, भी तो खा लेंगे 8 मिनट में। 8 मिनट का समय नहीं मिला हुआ है, मैक्सिमम चैलेंज का टाइम जो था 8 मिनट था। विनिंग का टाइम तो भैया जो चैलेंजर विन करेगा वही इनाम की राशि पाएगा, नहीं जो सबसे पहले खाली करेगा हम इनाम पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और देखते ही देखते लास्ट बाइट चैलेंजरों में एक ही आदमी मतलब इनाम की राशि ले जा सकता है, और लास्ट बाइट के साथ राजू इस समय फिर से दौड़ना चालू कर दिए हैं, और यही लास्ट बाइट खाते ही 2000 रुपए का नगद पुरस्कार फूलचंद जी को थोड़ा सा दौड़ा देते हैं, खिला देते हैं, नहीं तो खा नहीं पाएंगे। तो फूलचंद जी आए, हौसले दिखाए, फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं और राजू जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। मुर्गा रोटी खाने के इस चैलेंज में लोग आए, हौसले दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं और इनाम की राशि राजू जी को कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में फूलचंद तो स्पीड नहीं लगा पाए, लेकिन राजू इतना गजब की स्पीड लगाए कि एक बार में तीन तीन चार चार रोटी एकदम तोड़ना चालू कर दिए थे, और जब नसें ढील होती गई और पूरी तरह से चावल की तरह बाइट बनाकर खाते चले गए और जीत हासिल कर लिए। तो पैसा मिल गया भैया? हाँ मिल गया। कितना है? 2000 पूरा है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसे चैलेंजर है जो चावल को रोटी समझ के खाते हैं, रोटी की तरह खाते हैं, मतलब इनकी स्पीड नहीं लग पाती, और रोटी में चावल की तरह स्पीड लगती है इनकी, मतलब उल्टा चलते हैं राजू जी, भी चलते हैं उल्टा चलते हैं, और रोटी बोटी का जब चैलेंज रहता है तो राजू जी से मैक्सिमम चैलेंज रहता है कि राजू जी से कोई आगे नहीं जा पाता है, सीन जी भी यहाँ तक कि आगे नहीं जा पाते हैं। तो देखते हैं अगले चैलेंज में क्या होता है, क्या राजू जी या सीन जी को पीछे कर पाते हैं या नहीं। तो फूलचंद जी क्या वजह रही इतनी स्पीड में भगे तब भी नहीं पकड़ पाए? अरे भाई राजू को बराबरी नहीं करता है, राजू रोटी में बहुत ज्यादा फास्ट भागता है। हाँ, लेकिन थोड़ी सी तकनीक अगर लगाते हैं राजू जी की तरह, राजू जी सारी जो मुर्गे की बोटी थी उसको बाहर रख दिए थे और ग्रेवी में बिल्कुल रोटी को सान करके खा रहे थे, अगर उसी तरह फूलचंद जी भी चलते तो थोड़ा बहुत स्पीड मार जाते। तो ये लोग आए, हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।